मोदी सरकार और अडानी का रिश्ता इतना गहरा है कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आने के बावजूद भी और जनता का पैसा खाने के बावजूद भी मोदी सरकार के पीछे अडानी जिस तरीके से छुपा हुआ है, ये एक बड़ी साजिश को अंजाम देना है। जेपीसी जांच की मांग विपक्ष लगातार उठाता रहता है, लेकिन इस पर कोई भी गंभीरता से लेता हुआ कदम नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में जहां हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी का कच्चा चिट्ठा सब खुलकर सामने आ जाता है, उसी तरह एक और कारोबारी का कच्चा चिट्ठा हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें, एक और कारोबारी को लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई है। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट के बाद एक और कंपनी में भूचाल आ गया है। ये कंपनी ब्लॉक इंक है। इसके को फाउंडर जैक डॉर्सी हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जैक डॉर्सी को तगड़ा नुकसान हो गया है। एक ही दिन में उनकी संपत्ति $52.6 करोड़ घट गई है। ये मई के बाद एक की सबसे बड़ी गिरावट है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार 11% की गिरावट के बाद अब उनकी संपत्ति वर्तमान में $4.4 बिलियन रह गई है। गुरुवार को ब्लॉक का शेयर 22% तक गिर गया। बता दें कि ब्लॉक कारोबारियों और यूजर्स के लिए भुगतान और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। दरअसल हिंडनबर्ग की गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि ब्लॉक ने पेमेंट को लेकर धोखा किया है। यूजर्स मैट्रिक्स को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की अनुमति दी है, गलत तरीके से रेवेन्यू जनरेट किया गया है, साथ ही शेयर में हेर फेर किया गया है और इसे बढ़ाया चढ़ाया गया है। इसकी कीमत 75% अधिक हो गई है। इसके जैक डॉर्सी को $1 अरब का मुनाफा भी हुआ है। हालांकि कंपनी ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वो शॉर्ट सेलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी। आपको बता दें कि डॉर्सी, जिन्होंने ट्विटर की को फाउंडर भी रह चुकी हैं, ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स का अनुमान है कि फर्म में उनकी हिस्सेदारी $3 बिलियन है, जबकि एल मस्क की सोशल मीडिया कंपनी में उनकी स्थिति $388 मिलियन की है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने आखिर कहा क्या। दरअसल नॉर्थन एंडरसन की रिसर्च फर्म ने कहा है कि ब्लॉक के कारोबार के पीछे जादू डिटेक्टिव्स इनोवेशन नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं और सरकार को धोखा देकर कमाई की गई स्टारडम है।